घर चल के खेलना आ जाओ। और ये रहा हानिया का गिफ्ट। हानिया मजा आया आपको? ईद मुबारक। कुकू नहीं सुन रहे आप, बात नहीं कर रहे आप? हाँ सबको ईद मुबारक तो बोलो आप। कुकू मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, प्यारी लग रही हो हानिया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसा आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबकी ईद कैसी गुजरी है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मम्मा मुझे बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यूट्यूब फैमिली आप सब लोगों में तरह से लाख मुबारक हुई ईद की, और थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने हमें ईद के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। तुम्हारे कपड़े तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लेकर आई हो? ये मम्मा को पता है, मुझे नहीं पता। मम्मा को पता है तो ये कहाँ से ले आई हो? ये अम्मी पहले जब तैयबा यहाँ थी ना, तैयबा और इसने लिया था सिटी मैक्स से। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा है। इसने अब दोनों ना उठाए हैं, मुझे कह रहे मुझे ऑरेंज वाला उठाना है, छोटा वाला दिखाओ हानिया मम्मा को। ये उठाना है? हाँ नहीं, ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, कह रहे नहीं, इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप अम्मा को दिखा दो, अम्मा बोल देगी कौन सा अच्छा लग रहा है। हानिया तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? नहीं तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? ये प्यारा लग रहा है हानिया, व्हाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ये इसके साथ मैच भी कर रहा है तुम्हारे फ्रॉक के साथ, ठीक है, तो अच्छा भी लग रहा है, प्यारा भी लग रहा है। अम्मा लेकिन इसके बाल अगर वहाँ पे गंदे हो गए तो? नहीं होते गंदे, क्या करोगी तुम उधर गंदे हो? इसके बालों को आप क्या करोगी? बस मैच कर रहे ना आपके कपड़ों के साथ। अगर गंदे हो गए क्या करोगी? इसे वो छोटा सा ना मैं वो ऑरेंज वाला कहती है, ये क्यूट है, बस जहाँ भी जाते ना इसी को उठा लेती है, बस इसके साथ इसका दिल लग गया। हाँ दिल लग गया इसलिए। नहीं ये अच्छा लगे, अच्छा तो ये लगता है, प्यारा लग रहा है ये वाला। हाँ अम्मा आप हमारे साथ चले ना। नहीं तुम तो जा रहे हो उधर झूलों पे जा रहे हो ना, पार्क तो जा नहीं रहे। मैं जाती हूँ उधर चाची तुम्हारे के घर, दादो के घर जा रही हूँ। अम्मी जा रही है चाची के पास ईद मिलने के लिए, उधर जाती हूँ मैं ईद मिलने के लिए। तुम जाओ उधर, जब पार्क जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ठीक है? अम्मी को वहाँ पे झूले अच्छे नहीं लगते, वहाँ पे शोर ज्यादा होते हैं, शोर होता है, और तुम झूलों पे जाती हो, मैं उधर बैठ बैठ के थक जाती हूँ, ठीक है? मैं उधर जाऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? जब जाओगे ना पार्क, जब कहीं बाहर जाएंगे ना, फिर अम्मा कह रही हमारे साथ चलेगी वो। उधर बहुत शोर होता है झूलों पे, तो मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ, ठीक है? अभी खुश हो? खुश हो, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईद का दूसरा दिन है और हमारा व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, और फिर से मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ। अल्लाह पाक ऐसी ढेरों ईदें हम सबको देखना नसीब फरमाए और ईद हम सब के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए, आमीन या रब। तो अभी बच्चों के साथ हम जा रहे हैं हैप्पी लैंड, जो कि कल मौसम बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, हम गए थे और बंद था, तो आज हम जा रहे हैं और खुला होगा। हाँ आज इंशाल्लाह खुला हुआ होगा, तो चलें फिर। चलें रेडी हो? रेडी, बैठ जाओ अब चलें। हानिया बैठो, मुस्फा ने स्टोर से कुछ लिया था, अभी ये चेंज करने जा रहा है, ये चेंज करके आए तो फिर हम जाते हैं पार्क। मुस्फा कर लिया चेंज? अब हानिया के पैसे गुम हो गए मम्मा। होंगे पूरे होंगे, एक और रियाल था, 3 रियाल है। अच्छा नीचे देखो मिल जाएंगे अभी आपको। खुला हुआ है? हाँ खुला हुआ है, आज हम जल्दी आ गए ना। मुस्तफा आगे चला गया रोड क्रॉस करके। आज दोबारा से हम आ गए हैं हैप्पी लैंड। आज हमारा प्रोग्राम था पार्क जाने का, लेकिन कल बच्चे नहीं आ सके, तो बच्चों का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए आज दोबारा से हम आ गए हैं। मुस्तफा आज आप खुश हो? आज तो झूले खुले हुए हैं। अलबैग का रश देखें, रश कितना लगा हुआ है अलबैग पे। अभी हम रिसेप्शन पे आ गए, यहाँ से कार्ड बनवाते हैं, सामने ऊपर कार्ड की जितने भी पेमेंट है सारी आ रही है, और बच्चों की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। मोना और मुस्ता चले गए हैं सामने, इस पे बैठेंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा, और पता नहीं मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप सबको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर है। आपने बैठना है इस पर? डर लगता है आपको?
उसको पुश करना है आपने। इतनी मुश्किल से इसमें बिठाया, हर चीज से इसे डर लग रहा है। हनी मजा आया आपको? बहुत मजा आया। इतनी देर से आपको चलो कोई चीज मिली है बैठने के लिए। कौन सा नंबर निकलेगा भानिया का पता नहीं। अब मोना की बारी है, जोर से मारो, जोर से। हाँ हाँ, अभी जो वहाँ से टिकट्स निकली है ना, अभी यहाँ पे दे रहे हैं और वहाँ से मिलने हैं बच्चों को खिलौने, और देखते हैं कि क्या मिलता है। खाने की टिकटें सबसे ज्यादा हैं। हानिया चलो अपना गिफ्ट लो, अब इधर से इस साइड से चलो, यहाँ से हानिया यहाँ से चूज करो, सामने से यहाँ से कुछ मिलेगा। और ये रहा हानिया का गिफ्ट, अच्छा है। तो अभी हम इस शोर से बाहर निकल आए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। हानिया मजा आया आपको? इंजॉय किए? हैप्पी लैंड से निकलने के बाद अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं और सामने अलबैक है और भूख भी बहुत लग रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड और मोना गए हैं वहाँ से अलबैक लेने के लिए। आप उठो उधर, मोना के पास चले जाओ, जाओ मुस्फा आप इधर आ जाओ तमन्ना के साथ। ये स्पाइसी है, सारे हानी ये स्पाइसी है, खाओगी? स्पाइसी खाती हूँ। खाती हो अब? हानिया आपने आइसक्रीम खानी है, और किसने खानी है? और मुस्तफा ने, आपने भी खानी है? और आपने आइसक्रीम सिर्फ मुस्तफा और हानिया ने ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खाना खा लिया है, पेट भर लिया है, बस अभी हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद बस निकलते हैं घर के लिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चों ने अच्छा खासा एंजॉय किया, लेकिन अंदर इतना बहुत ही ज्यादा शोर था कि मैं बिल्कुल भी वीडियो ज्यादा नहीं बना सकी, क्योंकि बनाने का कोई फायदा भी नहीं था, अगर बनाती तो बिल्कुल मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो भूख लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया, तो बस अभी निकलने लगे हैं घर के लिए। किस चीज का रिकॉर्ड? आपने तोड़ा था मम्मा, जो इतनी देर खड़ा रहा था वो रिकॉर्ड तोड़ा था इसने। हाँ, इसे कुछ भी नहीं आता, माँ नीचे नहीं उतर पा रहा था, लेकिन सबसे पहले मैंने जाके बटन दबाया था। मुस्तफा आ जाओ गाड़ी में बैठो, आ जाओ ना घर चल के खेलना, आ जाओ। दरवाजा खोल के चाबी वापस करो। अभी सोना नहीं है क्या किसी ने? नहीं। हाँ नहीं। सोने का इरादा नहीं है? नहीं। और मोना आप क्या कर रही हो? आप भी खेल रही हो हानिया के साथ? नहीं, हानिया की हेल्प कर रही हूँ। क्या बना के दे रही हो हानिया को? ये प्ले डो है। अच्छा, ये वही है जो हानिया को गिफ्ट मिला था वहाँ से? हाँ, टिकट्स का। इतनी देर हमने वहाँ पे कर दी, इसने कोई 100 टिकट, 160 हाँ 60 थी। हाँ, इतनी इसने निकाली और उसके बदले में इसे ये मिला। उसके बदले में क्या मिला हानिया आपको? नहीं नहीं मम्मा, चूज करना पड़ता है। अच्छा, आपने फिर यही चूज किया था? अच्छा, अब जल्दी से अपने बनाओ टॉयज और मैं अब देखती हूँ आपने कैसे बनाया। माँ मेरी ना 210 निकली थी। हाँ, और मुस्फा का ये रहा गिफ्ट जो मुस्फा ने उठाया हुआ है। वहाँ पे बॉल पड़ी थी, मैंने इसे कहा था कि ना बॉल ले लो, लेकिन इसने ये ले लिया। बस इसे यही पसंद आया होगा ना, इसे खेलने में इतना मजा नहीं आता, बॉल होती है यूं फेंको फिर वो दोबारा यूं कैच हो जाती है वो। बस इसे ऐसे ही, क्या चीज है मुस्तफा? इसे आसमान में उड़ाते हैं, मैं फिर स्लिंग शूट लो रॉकेट होता है। तमन्ना फिर से चली गई है? तमन्ना फिर से चली गई है? आपको पता तो है उसकी तबीयत खराब है, और उसे हम लेके भी जबरदस्ती गए थे, वरना वो नहीं आ रही थी ना। हाँ, उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था ना, इसलिए मैंने वहाँ पे उस वीडियो में भी ज्यादा नहीं दिखाया। हाँ। और इसलिए फिर लेकर गए थे ना, क्योंकि अम्मा जो उधर जा रही थी चाची के घर ईद पे, अम्मा भी नहीं थी और फिर वो घर हाँ। अकेली बैठी रही थी, तो उसके इसलिए फिर मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर चले मूड उसका ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसका मूड ठीक ना, बाकी जब बुखार होता है ना
तो दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हम उसे ले गए जबरदस्ती, उसने खाना भी थोड़ा सा वहाँ पे हमारे साथ खाया और उसका मूड खराब था, सर में दर्द था उसके। तानिया आपको मजा आया था वहाँ पे? बहुत मैं तो बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे। मैं इतने साल बाद जा रहा हूँ, पूरे 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए आपको? हाँ। हम सिर्फ पिछली ईद पे नहीं गए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, 1 साल के मुस्फा ने डबल बना दिए, 3 साल हो गए। हाँ वहाँ पे मैं बैठा, मुझे इतना मजा आया। जो वहाँ पे एक तो वो था ना, वो जो बार बार ऊपर आया था, नीचे आ रहा था। हाँ। जो पाकिस्तान में होता है। आप ट्रेन पे भी तो बैठे थे ना? हाँ, वो रोलर कोस्टर होता है। अच्छा, उस पे हमने वो तमन्ना को भी तो बिठाया था ना, तमन्ना भी तो बैठी थी ना। हाँ, तमन्ना कह रही थी कि पाकिस्तान में जो चंकी मंकी है ना, हाँ, वहाँ का ना बहुत फास्ट है। बोलते चिंगारियां निकलती है। अच्छा, इतना फास्ट है कि चिंगारे निकलती है। वाकई में इतना वो नहीं है, स्लो है थोड़ा, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया और मुस्तफा ने भी बहुत एंजॉय किया। डायनो पार्क, हानिया तो बिल्कुल भी नहीं बैठी। हानिया को बहुत डर लग रहा था हर चीज से। जो डायनो पार्क वाला था ना, वो इससे भी ज्यादा तेज था। आज का व्लॉग कुछ खास नहीं बना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने किस तरह से आज बनाया है। मूड बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि तमन्ना की तबीयत खराब है, दूसरा दिन है और बस बच्चों की वजह से। कल भी गए हम और आज भी गए। बच्चों में से किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाए और वो भी ऐसे मौके पर, स्पेशल जब आपके घर में ईद होती है, खुशियों का माहौल होता है, तो मैं खुद भी काफी डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और हम बाहर जा रहे हैं। तो फिर ये कल भी बच्चे ऐसे रो के वापस आ गए और आज भी हम देर से ही रात को निकले थे। तमन्ना की दवाई भी ली थी, मैंने कहा आराम आ जाएगा इसी रात तक, तो फिर इंशाल्लाह बाहर जाएंगे। लेकिन जैसे बुखार आता है तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 से 3 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उसे जबरदस्ती लेकर गए कि थोड़ा उसका मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी तबीयत खराब थी। और इस वजह से मुझे भी लग रहा था कि मेरा ब्लॉग भी बिल्कुल अच्छा नहीं बना, बस बना लिया मैंने। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।